और बात कर दें खंडवा की, जहां सिहाड़ा के सरपंच और पंचायत की मनमानी से किसान परेशान है। परेशान किसान फयाज रचना ने सरपंच पर आरोप लगाया कि उसने सरपंच और पंचायत को मना किया था कि नाले पर पॉल मत बनाओ, लेकिन फिर भी पंचायत और सरपंच ने उसकी एक नहीं सुनी और नाले पर दीवार बांध दी। मनमानी का नतीजा ये हुआ कि बारिश होने के कारण पीड़ित का खेत तालाब बन गया और उसकी फसल नष्ट हो गई। किसान ने बताया कि उसने कर्ज लेकर खेत पर पोल्ट्री फार्म डाला हुआ है। वहीं पोल्ट्री फार्म में पानी भर जाने के कारण मुर्गी के चूजे भी मर गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मामले में पीड़ित अब फयाज रजा का कहना है कि पंचायत की गलती का खामियाजा उसे क्यों भुगतना पड़ रहा है, जिसके लिए मुआवजे की वो मांग कर रहा है। साथ ही उसने ये भी कहा है कि पंचायत ने जो नाले पर पॉल बांधी है उसे शीघ्र हटाया जाए ताकि बरसात में खेतों में पानी ना भराए। विराट 24 न्यूज के लिए खंडवा से साजिद अली सैयद की रिपोर्ट। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि मेरे खेत में पूरा पानी भरा गया। सोयाबीन बोया था 2 क्विंटल, वो खराब हो गया पूरा, सत्यानाश हो गया। और उन्होंने पाल पंचायत वालों ने पूरी पाल बना के चले गए। क्या तो आपने मना नहीं करा? मैंने मना करा था तो निकास के लिए बोले नहीं, हमको तो ऊपर से हटा रहे। और ऐसा नुकसान आपका कितना हुआ? कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हो गया। ये आपके जो पोल्ट्री फार्म है उसके मुर्गी के बच्चे भी मरे? मरे, कम से कम 300 बच्चे मरे। 300 बच्चे मरे। तो अब आप क्या चाहते हो? बस मैं मुआवजा चाहता हूँ, और क्या, और उसका निकास किया जाए। तो ये पानी अभी आपके खेत में ही भरा हुआ है पूरा? ये पानी में ही खड़ा हूँ मैं, पूरा पानी में ही खड़ा हूँ। मेरे फार्म में ही पानी भरा हुआ, और मेरे खेत में भी देख लो आप। क्या समस्या है आपकी? सर ये हमारी समस्या है कि इन्होंने बांध बनाया। हाँ, तो इससे इसके कारण हमारे खेत में पानी भी भरा गया। उसके अलावा हमारी बिजली भी गई। क्या बोए थे आपने? हमने सोयाबीन। सोयाबीन बोए थे। और ये क्या पोल्ट्री? पोल्ट्री भरा, ये मुर्गी के बच्चे डाले थे 1200, उसमें से 300-400 बच्चे मर गए। ये पानी भरा गया हमारे फार्म में। तो आप क्या चाहते हो? हमको तो हमारा जाना चाहिए, और ये इसको बांध को तोड़वाओ। तो ये बांध जो बना था, तो आपने जब कुछ नहीं कहा? हमने बोला कि हमारे खेत में पानी भराएगा, इधर हमारा नुकसान होगा। बोले नहीं नहीं, बोले नहीं भराएगा। बोले ये किसने बनाया ये बांध? ये सियाड़ा पंचायत। सियाड़ा पंचायत ने? तो ये कि हमने फिर मैंने घर फोन लगाया, उसे बुलवाया। अच्छा, बच्चे भी बच गए, तो ये भी मर जाते। तो अब आप क्या चाहते हो? हमको तो हमारा हरियाणा चाहिए, हरियाणा चाहिए, और ये बांध उगाना है। श्योर। आपका नाम बताओ। राज राजा। आपका नाम? फयाज रजा। आप कौन? मैं मालिक। और ये? मैं नौकर।